गुरुदेव ने एक तरीके से अभी आज्ञा नहीं दी है, गुरुदेव प्रार्थना जैसा करते हुए दिखाई दे रहे, गुरु जी आज्ञा नहीं दे रहे, गुरु जी ऐसे एक तरह से वो कह रहे हैं कि निवेदन जैसा है गुरुदेव का, अरे राम जाना जरा घूम फिर के आना अयोध्या जनकपुर में। जाय देख आवो नगर सुख निधान दो भाई करौ सफल सब सुंदर भरन दिखाय। इसमें एक आश्चर्य की बात सुनना, ऐसे बावरे हैं जनकपुर के लोग, राम के सौंदर्य को देखना चाहते हैं। अब दिक्कत ये क्या है, दूल्हे की सुंदरता ही देखते हैं लोग, दूल्हा है कैसा, कई जगह तो बेचारा दूल्हा चेहरा ढक के रखता है तो भी तांग झांक के देखते हैं दूल्हा है कैसा। सुंदर बदन दिखाए, गुरुदेव ने ये नहीं कहा अपने गुणों को बताकर आइए, अपने शील को, सत्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी विभूति और अपनी भगवत्ता, राम जाइए और अपने ईश्वरत्व का बोध कराओ। क्यों बोले, ईश्वर को हर आदमी जानता है, ज्ञानियों का गांव है ये, तो ईश्वर को तो चप्पा चप्पा पहचान चुका है यार। अब इन्हें ईश्वर नहीं चाहिए, अब तो इन्हें रूप चाहिए, ये सुंदर। अच्छा ये दोनों तरफ से है, बहु आए तो उसका मुंह देख रहे हैं, दूल्हा आए तो उसका मुंह देख रहे हैं। युवती भवन जनकपुर में राम के रूप की चर्चा है। तरुणियां, किशोरियां, युवतियां, आबाल वृद्ध, नरनारी, वहां के संत महंत, मठाधीश, आचार्य और छत्रप अमात्य बड़े सब राम को टकटकी लगाए देखे जा रहे। अभी सब दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए राम को देख के सब कि ये क्या हुआ, ऐसी क्यों प्रतिज्ञा कर ली राजा जनक ने कि जो धनुष उठाएगा उससे लली का विवाह होगा। अरे प्रतिज्ञा तोड़े राम जी का विवाह कर दे, अब ये तो प्रतिज्ञा तो तोड़ेंगे नहीं, तो सब व्रत कर रहे कि धनुष ये उठाएगा। सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई, सीता जी को लगा कि भाई सब जगह चर्चाएं, स्वामी से मिलने चलना चाहिए, मेरे धाम में आए, मेरे पुर में आए, मेरे घर में आए, और ये पुराणों में चर्चा तो है ही सब जगह, भगवान का अपना कोई घर नहीं है, भगवान तो लक्ष्मी के घर में रहते हैं। सच मानिए भगवान का अपना कोई घर नहीं है, लक्ष्मी जी अपना एक आयतन और निकेतन देती हैं, इसलिए आज भी हम लोगों के यहाँ झगड़ा झंझट हो तो कहते हैं ये ग्रह लक्ष्मी है और भैया तू बाहर निकल दुकान में जा, ये ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह स्वामी नहीं, ये ग्रह स्वामी नहीं। अब स्वामी हमारे यहाँ आए हम चलेंगे, इसलिए माँ को मनाने गई वो पार्वती को, सुंदर सा थाल अपने आप सजाया, उसमें मेहंदी रखती है सबसे पहले, हल्दी, कुमकुम, कंकण, मोदक, आभूषण, दिव्य परिधान, बड़े थाल में सब अच्छी चीजें रख रही हैं, सोने के पात्र में जल रख रही हैं, मधुपर्क रख रही हैं मां के पूजन करने के लिए, पार्वती का पूजन करने के लिए, पहुंची मां का पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ। जय गजबदन षडानन माता, ये कहकर कि तू षडानन की मां है, गजानन की मां है,
महेश आपके पति, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे गिरिराज किशोरी, हे गौरी, मैं तेरा पूजन करने आई। वो पार्वती का पूजन नहीं करने गई, किन का गई है? गौरी का। गौरी तत्काल प्रसन्न होती, पार्वती में वो गौरी का भाव लेकर गई। गौरी में उतनी ही आकुलता रहती है वर देने की जितनी महादेव में है, और महादेव आशुतोष है, महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनसे भी अधिक आशुतोष। त्वरा, त्वरा कहते हैं जल्दी को, त्वरा संस्कृत भाषा का शब्द है, त्वरा माने झटपट, झटैति, ये झटैति शब्द है संस्कृत भाषा का, झटपट झटपट ले जो तुझे चाहिए निकल। पार्वती कहती है भाई जो तुझे चाहिए निकल ले। इतनी प्रसन्न हो गई, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। उन्हें पाने के लिए उनकी सन्निधि, उनकी निकटता, उनका संसर्ग, उनका संस्पर्श, उनका अनुग्रह पाने के लिए क्या पुण्य है सुपर्णखा के, कि भगवत सन्निधि में पहुंच गई। भगवान ने कुछ ऐसे संकेत किया, कह रही बिना जप तप के, यद्यपि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघना सही तब ही, पर सीधे मुझे ही प्राप्त करना चाहती तो लखन तो से तो पूछ साधन क्या है। और हाँ, मेरे तो वामांग में सीता है ही, तो स्वकिया नहीं है, निष्ठा नहीं है, केवल राम की ही नहीं, इस पे अटल रहती, निश्चय रहता उसका। अब राम की किंचित उपेक्षा है या राम ने अनिच्छा व्यक्त की, तो अब वो लक्ष्मण की होना चाहती है। और भगवान ने कहा चलो ठीक ही हुआ, ये योग्य है ही नहीं, ये ऐसी पात्र है ही नहीं, काम ऐसे ढक्के रखता है, हमारी कामनाएं ईर्ष्णाएं वासनाएं स्पृहाएं लालसाएं हमारे मन को मूढ़ बना के रखती हैं, हम इन द्वंद्वों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख, इनसे ऊपर कभी नहीं उठ पाते। दिन भर मन इन दो बातों के तो विचार करता है कि यहां अपमान हो गया या मान हो गया, यहां हानि हो गई या लाभ हो गया, यहां थोड़े प्रसन्न थे यहां थोड़े अप्रसन्न हो गए, ये थोड़े से अपने से हैं वो थोड़े से पराये से, इनसे सुख मिलेगा इनसे दुख मिलेगा, बस इस ज्यादा मन को कुछ नहीं पता। मन दिन भर इन चार पांच चीजों के अलावा मन कुछ जानता नहीं है कि थोड़ा सुख है, अब थोड़ा दुख है, अब थोड़ा हर्ष है, अब अमर्ष है, थोड़ा मान है अपमान है। दिन भर मान की चिंता मन को, और चूंकि मान नहीं मिला है, यश नहीं मिला है, अनुकूलताएं नहीं मिली है, तो दुखी है। अब जिनके कारण नहीं मिला है वो अकारण शत्रु हो गए, अब वो कई बार नहीं मिलता हूं उसे तो फिर वो शत्रुओं वो शत्रु ही हो गए, वो व्यक्ति वस्तु पदार्थ दृश्य और घटनाएं जो अनुकूल नहीं है। इतना सा ही आता है मन को, और कुछ नहीं आता। इससे अधिक की समझ हमने उसे दी भी नहीं, इससे अधिक के संस्कार हमने वहां पहुंचाए भी नहीं, इससे अधिक वो जानता भी नहीं कि अनुराग क्या है, वैराग्य क्या है, प्रीति क्या है, स्नेहन क्या है, प्रणयन क्या है, त्याग किसे कहते हैं, बलिदान किसे कहते हैं, न्यौछावर होना होता क्या है, कैसे दूसरों को समर्पित हो, वो जानता भी नहीं तो नहीं कि समर्पण कहते किसे हैं, उच्च आदर्शों का अनुसरण कैसे करें, वो पहचानता तक नहीं, वो जानता नहीं, उसको पता भी नहीं आदर्श क्या होते हैं, वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं एक उदाहरण बन सकता हूं इस धरती पर, एक उदाहरण, एक आदर्श, एक बड़ा मूल्य, एक स्वस्थ परंपरा, मैं एक बड़ी कथा बन सकता हूं इस धरती एक पर, एक में नया युग पैदा कर सकता हूं। मन इतना सब कर सकता है, पर मन को पता कहां है
वो तो इतनी सी जानता है बात है कि थोड़ा सुखी हो गए दुखी हो गए, यहाँ सुख है यहाँ दुख है, यहाँ हर्ष है यहाँ शोक है, यहाँ हानि है लाभ है, यहाँ जय और पराजय है, और हाँ ये अपने वो पराए हैं, ये मेरा है और वो तेरा है, बस इतना ही तो पता है मन को।